ಸಹಿತ ಚರಣ ಕಮಲ ಕ್ಷಣ ಮಕರಂದಾಯ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾನಸ ನಿರಾಶಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವಾಗೀಶಾಯ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ಯ ಚ ವಕ್ಷಸಿ ಯಶಾಸ್ತಿ ಚ ದೇಶಂವೀತಂ ನೃಸಿಂಹಮಹಂ ಭಜೇ ವಿಶ್ವಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗಾದಿಂ ನವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಂ ಪರಂ ಧಾಮ ಜಗದ್ಧಾಮ ನಮಾಮಿ ತತ್ ಜಯ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ದಾಸ ರಘುನಾಥ ಏ ಛೈ ಗುಸಾಯಿ ಕರಿ ಚರಣ ವಂದನ್ ಜಾಹಿತ ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಪುರಂ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀ ಶ್ರೀಮನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೀ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈ ಪ್ರಭು ಕೀ ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಪ್ರಾಣನಾಥ್ ಕೀ ಶ್ರೀವಾಸ ಪಂಡಿತ್ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಕಲ ಆಚಾರ್ಯ ವೃಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಂದ ಬಿಹಾರಿ ಬಿಹಾರಿಣಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೀ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಧೆ ಜಪಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ವಿಲಾಪ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 88 ಭ್ರಾತಾ ಗೋಯುತಮತ್ರ ಮಂಜುವದನೆ ಸ್ನೇಹೇನ ದತ್ವಾಲಯಂ ಶ್ರೀದಾಮ್ನಾ ಕೃಪಣಾಂ ಪ್ರತೋಷ್ಯ ಜಟಿಲಾಂ ರಕ್ಷಾಕರಾಕ್ಷಣೆ ನೀತಾಯಾ ಸುಖಶೋಕರೋದನ ಭರೈ ತೇ ಸಂದ್ರವತ್ಯಾಂ ಪರಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾ ಜನಕೌ ವಿಧಾಸ್ಯ ತರಿತಃ ಕಿಂ ಲಾಲನಾಮೇಗ್ರತಃ ಶ್ರೀಲ ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ರಾಧಾಕುಂಡ ಕೆ ತಟ್ ಪರ ಪ್ರಿಯಾಜಿ ಕೆ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಡಪ ರಹೆ ಹೈನ್ ಉಸಿ ತಡಪನ್ ಮೇ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಗಾ ರಹೆ ಹೈನ್ ಸಾಧಕ ಜಬ್ ತಕ್ ಭಗವತ್ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಡಪತಾ ನಹೀ ತಬ್ ತಕ್ ಪ್ರಿಯಾಜಿ ಉಸಿ ಸೇವಾ ನಹೀ ದೇತೇ ಯೇ ಸಾಧನ ಕ್ಯಾ ಹೈ ತಡಪನಾ ಹೀ ರೋನಾ ಹೈ ಸಾಧನ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಯದಿ ಮನ್ ಮೇ ಸಂಸಾರಿಕ ವಸ್ತು ಕಿ ಚಾಹ ಪ್ರಕಟ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ವಸ್ತು ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ದೂರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಭಕ್ತಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ದೇ ನಾ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನಿ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ಬಹುತ್ ಛಿಪಾ ಕರ ರಹೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬದಲೆ ಮೇ ಸಬ್ ಕುಛ್ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಹೈ जो जो साधक चाहता है भगवान उसको उपस्थित कर देते हैं मान प्रतिष्ठा धन दौलत जो कुछ भी चाहिए दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते भक्ति तभी देते हैं जब मन में भक्ति के अतिरिक्त किसी प्रकार की वासना न होता उसका एकमात्र आधार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी है साक्षात गौर महाप्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है जो मांगे वो दे देंगे लेकिन उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए शारीरिक सुख चाहिए न पारलौकिक सुख चाहिए उनको एकमात्र प्रिय जी की सेवा चाहिए
और प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते करते उस सेवा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा सुख लेना चाहते हैं। जैसे कल सेवा में स्मरण किए थे कि वो प्रिया जी की ब्रज रागी, ब्रज की राजा बने, उसकी उत्सव हो, उसमें मैं भाग लूं, उसमें मुझे सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। राधा रानी की दो प्रकार की लीला है, एक बरसाने की लीला और एक जावट की लीला, दो लीला। तो जावट की लीला बरसाने की लीला से उत्कृष्ट श्रेष्ठ, क्योंकि प्रेम में जितना दुर्लभत्व तो प्राप्त होता है, प्रेमी प्रेमास्पद को मिलने में जब बाधा होता है तो प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है। तो बरसाने में खास करके मायके में लड़कियां स्वतंत्र रहती हैं, माता पिता भी खेलने के लिए छोड़ देते हैं, वही लड़की जब ससुराल जाती है तो बड़ा भारी बंधन हो जाता है, वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती, न कहीं खेल सकती है। तो राधा रानी को बहुत कड़ा अनुशासन है जावट गांव में, और बरसाना में थोड़ा स्वच्छंदता है, थोड़ा स्वच्छंद। तो बीच बीच में राधा रानी के जो भाई सुदामा हैं वो प्रिया जी को लेकर आते हैं बरसाना, जावट से बरसाना है। उसी लीला का स्मरण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर करते हैं, कर रहे भ्राता गोयुत मत्र मंजुवदने स्नेहेन दत्वालयम्। हे मंजुवदने, प्रिया जो हे किशोरी जो, जिनकी एक एक अंग को देह करके प्यारे श्याम सुंदर मोहित हो जाते हैं, रक्षाबंधन के दिन, राखी पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा के दिन सुदामा जावट आए हैं प्रिया जी को लाने के लिए, अपनी बहन राधा रानी को लाने के लिए, लेकिन जटिला जाने नहीं देती है। सास देखती है कि बहुत काम करने वाली बहू है तो उसको छुट्टी नहीं देती है, क्योंकि प्रिया जी एक क्षण भी सोती नहीं, केवल सेवा ही करती हैं, घर का जितना काम है प्रिया जी अकेले करते हैं, सास ननद तो कुछ करती नहीं। प्रिया जी को कितना कष्ट होता है जावट में, जितना घर का काम है सब प्रिया जी को, जितना कपड़ा साफ करना है सब प्रिया जी को ही साफ करना पड़ता है। आप लोग जावट में गए होंगे तो देखे होंगे चूड़ी बिहारी जी का मंदिर है, किशोरी कुंड है, किशोरी जी कपड़ा लेकर के चली जाती थी किशोरी कुंड को साफ करने के लिए, और प्यारे श्याम सुंदर आ जाते कपड़ा साफ करा देते। इस सेवा का छिप करके जो मिलना होता है प्रेम को उत्कर्ष बढ़ाता है, इसीलिए यह ब्रज में प्रक्रिया रस की आराधना है। तो भाई आया है लाने के लिए प्रिया जी को, जटिला नहीं आज्ञा देती है, जाने नहीं देती, लेकिन जटिला कौन है तो लोभी, तो कुछ उसको देख करके लेना पड़ेगा। तो गोयुत दत्वा, 10,000 गाय देने की वो सुदामा तय करते हैं, चलो हम 10,000 गाय देंगे। गोयुतम दत्वा, वो जटिला कौन है तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृपणा, कृपण है, कृपण का अर्थ होता है लोभी, कंजूस। तो कृपणाम जटिलाम प्रतोष्य, जटिला को प्रतोष्य माने प्रसन्न करके, तुषित करके, श्रीदामना स्नेहेन, श्रीदामना श्रीदामा जी ने स्नेहेन स्नेह के साथ आलयम नीताया, बरसाना लाए। सुख शोक रोदन भरेगा, इधर कीर्ति महारानी कीर्तिदा बरसाने गांव में बहुत लाड़ चाड़ से प्रिया जी का इंतजार कर रही हैं, और जब प्रिया जी आई तो स्त्रियां दो तरह रोती हैं, दोनों तरह, विरह में भी और मिलन में, दोनों तरह रोती हैं।
जब मायके से ससुराल जाती हैं तब भी रोती हैं, और ससुराल से जब मायके आती हैं तब भी रोती हैं, दोनों तरफ क्यों रोती हैं? तो कहते हैं सुख शोक रोदन भरे। मायके का जो सुख है उसको याद करके और ससुराल में जो दुख है उसको याद करके सुख दुख दोनों प्राप्त होता है उनमें। तो मायके में जो स्वतंत्रता है लड़कियों को घूमना फिरना अपने सखियों से मिलना खेलना, यह सुख सुख और शोक। शोक क्या है कि जितना सुख दुख है उसको प्रतिरोध लगा दिया जाता है ससुराल में। अब तुम किसी से मिल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है, मिलना भी है तो छिप करके। तो यह सुख शोक रोदन भरे, सुख और शोक, दुख और शोक, रोदन भरे। यहाँ कीर्तिराम कीर्ति मैया और प्रिया जी एक दूसरे से मिलती, माँ और बेटी का मिलन होता है। परम शब्दवत्या दोनों के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब इतः अत्र में अग्रतः बहा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरी रूप में, रति मंजरी तुलसी मंजरी के रूप में उस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रिया जी की छाया के समान तुलसी मंजरी घूमती है। जब मायके जाती हैं तो तुलसी मंजरी भी साथ में सभी सखियां जाती हैं, और जब ससुराल आती हैं तो आती हैं। क्योंकि गौड़ीय वैष्णवों का सबका शादी जावट गांव में हुआ है, सब लोगों का शादी जावट में ही हुआ है, क्योंकि प्रिया जी ससुराल है वहां पर। तो वहां पर प्रिया जी की सेवा करने के लिए जब प्रिया जी जगत में आती हैं गोलोक से इस जगत में, तो पूरा गोलोक उतरता है। जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तो सब नहीं आते, उनके परिकर आते हैं। लेकिन जब प्रिया जी आती हैं, जब जैसे श्री कृष्ण का अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, वामना अवतार हुआ तो गोलोक उतरा नहीं, काम करके चले गए। लेकिन जब पूर्णा अवतार राम का, कृष्ण का, गौर का जब इस जगत में अवतार होता है तो संपूर्ण गोलोक के परिकर इस जगत में उतरते हैं। क्योंकि प्रिया जी जब साथ में आती है तो सेवा बढ़ जाता है, तो अकेले कोई सेवा नहीं कर पाएगा, तो पूरा सखी सहचरी मंजरी सब अवतरित होती है। तो वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी माता और बेटी का प्रेम परम श्रद्धवत्या ती तव इतः अत्र में मम अग्रतः, मेरे सामने ये बेटी और माँ का मिलन जब होगा। और जनको वात्सल्यात जो जनक विश्वानु बाबा है या वात्सल्य रस की जितनी भी माताएं हैं वृद्धा नायिका हैं बरसाना की, ललना विधास्यते जब छोटे बच्चों से जब माता पिता मिलते हैं तो सबसे पहले सिर सूंघते, ये विधान है शास्त्र। सिर सूंघने से बच्चों का उम्र बढ़ता है। तो इस प्रकार क्या मैं यह दृश्य देख पाऊंगी, क्या मैं यह दृश्य देख पाऊंगी, इस प्रकार की लालसा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि देखिए कोई भी साधक हो भगवान का यदि भजन करता है तो उसमें यदि लालसा नहीं तो भक्ति जहां है वहीं बैठ जाती है। भक्ति का अर्थ ही है नित्य नित्य निरंतर बढ़ना, सा वर्धमान नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है। भक्ति यदि रुक गया, पानी जब बह रहा है तो स्वच्छ निर्मल है, उसमें कोई स्नान कर सकता है। जब वह बैठ गया रुक गया तो गंदा हो जाता है। इसलिए भक्ति नित्य निरंतर वर्धमान, प्रति क्षण वर्धमान। भगवान की भक्ति ये नहीं कि आज कर लिए वही पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उस रस का स्वादन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर विलास कुसुमांजलि में देख रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य नई लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें प्रति क्षण वर्धमान। यदि साधक भगवान का भजन करता है, श्रीलरूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भजन की दो तरीका है। एक है कि भजन कर रहा है, नाम रट रहा है, नाम में कोई रस नहीं मिल रहा है, संख्या पूर्ति कर रहा है, ये खराब नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि अब रस नहीं मिलता है एक दो माला जोड़ो। यदि रस नहीं भी मिलता है जबरदस्ती भी नाम लेता है तो यही जबरदस्ती नाम एक दिन स्वाभाविक बन जाए, स्वतः निकल। जब स्वतः नाम निकलता है तो नाम निकलने के बाद भी एक एक ऐसी स्थिति आती है कि नाम रटना पड़ता है,
एक ऐसी स्थिति आती है कि नाम रखना नहीं, नाम स्वयं स्वतंत्र रहता है, जीव को चाहे भी मैं बंद करूं तो बंद नहीं हो। ये अन्न का हम लोग देखते हैं प्राय, अन्न का प्रभाव होता है कि यदि किसी का भोजन खा लिए तो नाम बंद हो जाता है, और किसी का भोजन खा लीजिए तो नाम रुका हुआ भोजन चालू हो जाता है। ऐसा हम लोग को बहुत बार का अनुभव हुआ, किसी के संग कर लीजिए तो नाम चलता हुआ नाम रुक जाता है, और किसी का संग कर लीजिए तो नाम रुका हुआ चालू हो जाता है। तो ये अन्न दोष और संग दोष ये साधकों में बहुत कड़ा चीज है। अन्न का दोष यदि जो साधना करना चाहता है उसके लिए, जो नहीं करना चाहता उसके लिए दूसरी बात है। जो वास्तव में नित्य नूतन भक्ति रस का आस्वादन करना चाहता है तो उसका अंतराय से हमेशा दूर रहना चाहता है, जिससे हमारा नाम रुक जाता है वैसा हम काम नहीं करेंगे, और जिसके संग से हमारा नाम रुक जाता है उसका संग नहीं करेंगे। ये साधक की स्थिति। देखिए आचार्यों ने, हमारे जो आचार्य लोग हैं रूप गोस्वामी पाद सुना, कितना उनकी रहनी तो कितना विलक्षण रहनी। तो यहाँ पर रस भक्ति का दो तरीका बताए हैं, एक भक्ति है नित्य वर्धमान, नित्य नया नया रस का, अभी कृष्ण नाम लिए उसके बाद लिए तो उसमें दूसरा रस, फिर तीसरा रस, क्योंकि भक्ति रुकता नहीं, नित्य वर्धन है। भक्ति मार्ग में पूर्णिमा नहीं होता है, हमेशा वन अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी सूर्य चंद्र की कलाएं बढ़ती ही रहती, घटती नहीं, अस्थायित्व तो नहीं, बढ़ता है। इस बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं कि एक प्रार्थना से ही व्यक्त हो जाती है। एक साधक दूसरे से मिलता है तो उसके चर्चा करने से पता चलता है कि उसकी रुकी हुई भक्ति है कि वर्धनशील भक्ति, किसी का रुकी हुई भक्ति और किसी का वर्धनशील भक्ति है, थोड़ी पड़ जाती है। खास करके जो भगवान की भक्ति है, प्रिया जी की जो सेवा है, इस सेवा में जो रस मिलता है उस रस को कोई साधक बता नहीं सकता है जितना आनंद मिलता है, क्योंकि वाणी का एक वस्तु नहीं है। वाणी यदि चाहे कि हम प्रिया जी की लीलाओं का वर्णन कर सके तो हो नहीं सकता है, फिर भी महात्मा लोग वाणी का आश्रय लेकर ही उस रस का वर्णन करते हैं, किंतु उस वेग को धारण करने की सामर्थ्य भाषा में नहीं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर प्रिया जी की जो लीलाओं का स्मरण करके जो निकली है भाषा, उस भाषा को जिस स्थिति में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से डाउन होकर थोड़ा नीचे होकर के यह भाषा बोलते हैं, लेकिन भाव के भार से कोई भी व्यक्ति आत्महारा हो जाता है, अपने आप को झुक जाता है। इस अवस्था में जिसका अवलंबन लेकर हृदय में स्फीत होता है, तो यहाँ पर पिछले श्लोक में जो राज्याभिषेक का माधुर्य का स्वादन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी किए हैं, और आज के श्लोक में वात्सल्य रस की घनी मूर्ति पिता विश्वभानु और माता कृतिदा दोनों श्रीमती का रस का स्वादन करते हैं। श्रीमती की चरण सेवा का तुलसी छाया की तरह स्वामी जी का अनुगमन कर रही हैं, क्योंकि मंजरियां क्या हैं तो प्रिया जी की दर्पण है। प्रिया जी को यदि कोई देखना है तो मंजरियों को देखने से पता चलता है। अरे भाई, आदमी को देखकर पता चलता है वो किसके साथ रहा, किसका संग किया है। तो मंजरियां जो हैं वो प्रिया जी की जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी गुण हैं, ये मंजरियों में प्रकट हो जाता है। मंजरियों से प्यारे श्याम सुंदर की वाणी, यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी बरसाने जाने के लिए क्यों सोच रहे हैं आचार्य लोग, ऐसे क्यों जाना चाहती हैं प्रिया जी माँ, कि देखिए रस में उत्कर्षता को प्राप्त करने के लिए रस बढ़े घटे हमेशा एक ही भोजन बार बार दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता। खीर के साथ थोड़ा बीच बीच में नमकीन खाते हैं तो खीर खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ आकर के प्रिया जी से मिलने में बड़ा कष्ट होता है, पर जावट गांव में आते हैं श्याम सुंदर, प्रतिदिन आते हैं, कभी लीलहारिन बन के, कभी चुड़ीहारिन बन के, कभी वैद्य बन के, कभी जोगिनी बन करके जावट गांव में आते हैं, और आने में श्याम सुंदर को जो कठिनाई होती है
उस कठिनाई को थोड़ा सरल करने के लिए प्रेम वचन है। आचार्य लोग कहते हैं, कहा प्रिया जी वर्णन करती हैं कि श्याम सुंदर हमसे मिलने के लिए क्या क्या करते। विद्यापति जी का एक पद है, बड़े ही चतुर मोर कान। प्रिया जी को देखे बिना प्यारे श्याम सुंदर एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से मिलने के लिए क्या करते हैं, लेकिन प्रिया जी तो ऐसे मिलेंगी नहीं। प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, साधन बिना ही मंगल मजुमान। हम लोग तो ये जानते, रोज प्रतिदिन प्रिया जी की लीला वृंदावन में होता है। जावट गांव से बरसाना से प्रिया जी वृंदावन में आती है, वृंदावन में रास होता है, नित्य रास नित्य लीला यहाँ का। तो लीला में मान होता है। यदि एक साथ रहते हैं या थोड़ा रुसा खुली ना हो तो रस का स्वाद नहीं होता। दो मित्र हमेशा एक साथ रहते हैं तो बीच बीच में झगड़ा होना चाहिए, झगड़ा हो और फिर मिलन हो तो झगड़ा मिलने में नया रस मिलता है, एक रस। खास करके प्रेमी प्रेमास्पद में पति और पत्नी में झगड़ा न हो तो रस का स्वादन होता है। तो प्रियालाल में हमेशा नित्य रुसा खुली होता है, झगड़ा मान सम्मान फिर रुठना। तो जब प्रिया जी रुठ जाती हैं तो मनाने के लिए प्यारे से आप सुंदर बहुत प्रयत्न करते। ये प्रिया जी जावट में जब रहती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर को बड़ा कठिनाई, रात में जाएगी झगड़ा हो गया तो दिन भर चैन नहीं आता। तो श्याम सुंदर अब आते प्रिया जी को मनाने के लिए जावट गांव में। कैसे आ रहे हैं तो प्रिया जी वर्णन करती हैं, बड़ा ही चतुर मोर का। मनाने केवल प्यारे श्याम सुंदर को नहीं आता और किसी को नहीं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, अरे भाई मनाने में छोटा होना पड़ता है, बड़ा आदमी मान कर्म मान को यदि करो तो छोटा बनेगा। आज छोटा कौन बन सकता है तो श्री कृष्ण। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण क्या है इसको हम लोग नहीं जान सकते, ब्रह्मा भी नहीं जान सकता, शिव नहीं जान सकते। भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े हैं, इनका कितना भारी ऐश्वर्य है, जिनके एक नाक छिद्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होता है, अनंत विष्णु अनंत शिव अनंत ब्रह्मा निकलते रहते हैं, उन श्री कृष्ण की महिमा भला कौन जान सकता है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि श्री कृष्ण सबके चूड़ामणि है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रिया जी को मनाने में क्या करते हैं, दीन अपन को, अपने को सर्वथा छोटा मानते। तो प्रिया जी को मनाने के लिए आ रहे हैं और ये जानते हैं। तो श्याम सुंदर जोगिनी का रूप धारण करके जावट गांव में आए। जोगी भेष धरी आवल आज, श्याम सुंदर जोगी क्या करता है गांव में, जोगी घूमते हैं, आप लोग देखे हैं कभी सरंगी बजाते हुए, भिक्षा मांगते। तो श्री कृष्ण भिक्षा मांगने के लिए आए, क्या भिक्षा मांगने के लिए आप जानते ही हैं, क्या मांगने के लिए आए, मान मान भंग कराना। तो जोगी भेष धरी आवल कांख, जोगी भेष धर के प्यारे श्याम सुंदर आए हैं। के ये समझब अपरूप राज, प्रिया जी कहते हैं कि उस राज को भला कौन समझ सकता है, जब भगवान मछली बने तो उनको कौन समझेगा कि भगवान, भगवान सुअर बन गए, बारा बन गए, आज कृष्ण बन गए हैं जोगी। जितने अवतार धारण किए हैं श्री कृष्ण केवल प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए, और उनका कोई काम नहीं, इस सृष्टि करना पालन करना कृष्ण का काम नहीं, कृष्ण का केवल एक ही काम है प्रिया जी को प्रसन्न करना। तो आज प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की प्रसन्नता कर प्रसन्नता के लिए मान को भंग करने के लिए वैद्य बन, अरे जोगी बन गए, जोगी भेष धरी आवल कान। आ के यह समझब अपरूप का,
द्वार पर आकर के आवाज दी, भिक्षा मांगता है जो भीख थी। तो जटिला कहती है अपनी बहू से, राधा रानी से कहती है कि जाओ जाओ गेट पर, कोई द्वार पर आया है जोगी, उसको कुछ दे। तो प्रिया जी, सास बचन हम भीख लाई गए, सास की बचन को सुन करके प्रिया जी जोगी को भीख देने के लिए, भिक्षा देने के लिए गए। मजमुख हेरित गदगद भेटा, प्रिया लाल जब एक साथ देखे नैन नैन मिला तो दोनों एक दूसरे को भूल गए। ये है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जब भी प्रिया जी से मिलते हैं तो अपने आप को आत्महरा देते हैं। वो गाय छड़ाना भी छोड़ देते हैं और प्रिया जी घड़ा उठाना भी छोड़ देती, ऐसी स्थिति आ जाता है। दो पर पैया दो लेत हैं बलैया, वो भूल गई गैया वो गागरी उठाई हो। जब प्यारे श्याम सुंदर गोचारण करने के लिए जाते हैं और प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए पानी भरने के बहाना से जब जमुना जी के तट पर जाती हैं, तो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दो पर पैया दोनों एक दूसरे के पैर पर गिरते हैं। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के और श्याम सुंदर प्रिया जी के, दो पर पैया दो लेत है भलैया, और वो भूल गए गैया ये गागरी उठाई। श्याम सुंदर भूल गए कि मैं गाय चराने भी आया, और प्रिया जी भी भूल गए कि हम पानी लाने आए, बस यही भी है। जब प्रिया जी जोगी को देखी तो दोनों एक दूसरे में प्रेम का संचार हो गया, बस भूल गए। सास देखती है इतना देर हो गया क्यों नहीं आए, क्या बात, देखिए ये प्रेम किया। और सास चिंता कर रही क्या बात है क्यों नहीं आए, जोर से आवाज दी। देखिए उस समय भी सखियां सब सेवा में रहती हैं, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता सब सखियां हैं, मंजरियां सब सेवा में। ललिता सखी कहती है कि अरे वो जोगी बड़ा भारी ज्ञानी है, वो प्रिया जी के मुखमंडल को देख कर ही कुछ जान गया। क्या जान गया, जान गया कि पति विरह होगा अर्थात पति मरेगा, उसका जो आयन घोष है मरने वाला है। और यह सुनते ही जटिला तक तक करने लगे, और ये कुछ जानता है, जब ये जान गया तो कुछ मंत्र उत्तर भी जानता है क्या। देखिए लीला चालू हो गई। ललिता सखी जाकर के कही प्रिया, जब प्रिया जी हाथ से दे रही थी भिक्षा तो प्रिया जी के रेखा देख कर वो जान गया कि इसका तो बड़ा सुंदर ये है लेकिन इसका पति भी योग लिखा है। ललिता सखी ऐसे कही, तब तो सास दौड़ करके आई, जोगी जी को चरण पकड़ो पकड़ो, कहो कि कोई उपाय जानते हैं तो बता दो। तो जोगी कहता है उपाय तो है लेकिन वो मंत्र ऐसा है कि वहां कोई धरना नहीं चाहिए, अकेले में रहेंगे बहु, तब हम झाड़ फूक रहे। तो जटिया तो बड़ा खुश हो गए, रोग भी बता दिया, रोग का उपाय भी मिल गया। चलो तब कह माह, तब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी से मिलते हैं तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर करके कहते, तब कह मान रतन मोह दियो, प्रिया जी के चरण कमर पर गिर करके प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रिया जी, हे स्वामी जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके आप मान मत, माल में मुझे कितना कष्ट होता है ये मैं बता नहीं सकता। देखिए इसका स्वरूप है, आज मैं जोगी भेष बना करके आपके पास आया। जब देखिए ऐसे प्रेमी ऐसे दो मित्र एक साथ रहते हैं, यदि कोई रूठ गया तब तो उसका चिंतन और बढ़ जाता। क्या किया, तब कह मान रतन मोह देव समझो तब हम सकपट सोया। देखिए श्री कृष्ण कौन है जानते हैं ना, कपटी है। कृष्ण कौन है, कपट है ना, भागवत में लिखा गया है श्री कृष्ण के लिए कहा कपट ज्योति भेषो। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो कपट से लेते हैं, कप गूठा कपट मानुष श्रीमद भागवत में लिखा गया है।
ये श्री कृष्ण कौन है तो कपटी है भगवान, लेकिन मनुष्य का कहा जाए कि मैं मनुष्य, मैं वसुदेव का लड़का है, कौन है वो भगवान है, लेकिन कहेगा पूरा जगत में कहेगा मैं वसुदेव का लड़का है, भगवान कहेगा कि हम मछली है, वो भगवान कहेगा कि हम सुअर है, भगवान कहेगा कि हम नृसिंह, गुड्ढा कपट मानुष। तो प्रिया जी कहती है तब हम कपट, आपकी कपट मैं जन्म जन्मांतर से जानती हूँ, आप अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए कभी मछली बन जाते हैं, कभी बाराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, आज प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर क्या बन गए, जोगी बन गए, जे कछु कहल तब कहत लाज। ललिता सखी से प्रिया जी कहती हैं कि वो जोगी कौन सा मंत्र पढ़ा, थोड़ा बता दो क्या मंत्र पढ़ा, क्या बताए। तो प्रिया जी कैसे बताए, प्रिया जी कहती हैं जे कछु कहल तब कहत लाज, जो हमसे कहे, क्या कहे, चरण पर गिर कर कहे कि दे प्रिया जी दे पद पल्लव उदारम स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडनम, यही तो कहे, श्याम सुंदर कहेंगे क्या, बस हे प्रिया जी आप अपने चरण कमल में शरण दो, बस और कोई चाह नहीं। तो प्रिया जी कहती है कि जे कछु कहल तब कहत लाज, प्यारे श्याम सुंदर जो हमसे एकांत में कहे वो पहले भी मुझको शरण आती है। नागर विद्यापति कह सुंदरी राय, विद्यापति कहते हैं कह सुंदरी राय कि ये तू समझम से चतुरा है, ये प्यारे श्याम सुंदर की चतुराई को भला कौन समझ सकता है, वही रस का यहाँ पर स्वादन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में किए हैं कि जावट गांव में जो प्रिया जी की जो अद्भुत लीला है, जो श्याम सुंदर बहुत कठिनाई के साथ प्रिया जी से मिलने के लिए जो विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं, उसमें थोड़ा सरलता लाने के लिए प्रिया जी जावट से बरसाना जाना चाहती है, और बरसाना से आए हैं सुदामा, और जटिला को कुछ लोभ दिखा करके प्रिया जी को बरसाना ले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद यही करते हैं, भ्राता गोयुत मत्र मंजु बदने स्नेह न दत्वालयम, स्नेह के साथ गो श्रीदाम ना कृपणाम प्रतोष्य जटिला राक्षाख्यरा काक्षणे नीताया सुख शोक रोदन भरई ते सद्रवम त्यापरम वात्सल्या जनकौ विधास्यत इतः किम लाल नामेग्रतः, क्या इस लीला को मैं अपने नेत्र से देख पाऊंगी। तुलसी